हाय, अगस्त 16, 1947 के टेलर की आज हम लोग रिव्यू करेंगे। गौतम कार्तिक की अगस्त 16, 1947 का टेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पे लगा दी आग। नियर अबाउट 25 लाख से अधिक बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है अभी तक, और मैं तो बोलूं अगला ऑस्कर पक्का है। डर 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 क्या होता अगर भारत की आजादी में कोई एक अनजान छुपा चैप्टर होता? क्या होता अगर भारत के एक गांव को ये पता ही नहीं चलता कि वह ब्रिटिश अत्याचार से अब मुक्त है? तमिल फिल्म के स्टार गौतम कार्तिक ने ए आर मुरुगदास की फिल्म से डेब्यू किया था, और वह उन्हीं की फिल्म अगस्त 16, 1947 की फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे तगड़ा रिस्पांस मिला। चंद घंटों के अंदर ही यह लाखों बार से अधिक यूट्यूब पर देखा जा चुका। उसी गांव की कहानी को लेके आ रहे हैं जो आज़ादी के बात से अनजान था। ए आर मुरुगदास अपने आने वाले फिल्म अगस्त 16, 1947 उसी गांव की कहानी को लेके आ रहे हैं जो आज़ादी की बात से अनजान था और अंग्रेज का गुलाम बना रहा। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगस्त 16, 1947 को एन एस पोन कुमार ने डायरेक्ट किया है, और इसमें प्रेम, साहस और देशभक्ति की एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी है। टीजर की शुरुआत एक घनघोर जंगल कुछ घुड़सवार के साथ होती है, जिसमें ये डायलॉग सुनने को मिलता है कि अगर दर्द को भुलाना न हो तो उस दर्द से भी ज्यादा दर्द दो। इस डायलॉग के तुरंत बाद ही गौतम कार्तिक कुछ ब्रिटिश पुलिस के चारों तरफ से घिरे हुए दिखते हैं, और उस गौतम कार्तिक का ये डायलॉग होता है 3 बार डर डर डर। उसके तुरंत बाद ही गाना आता है, और गाने के बाद गौतम कार्तिक एक लड़की से मिलते हैं जो कहती है कि 10 सालों से इस पिंजरे में मैं कैद हूँ और ये दीवारें ही मेरे दोस्त बन गई हैं। 10 सालों से कैद हूँ इस पिंजरे में, अब ये दीवारें ही मेरे दोस्त बन। टेजर आगे बढ़ता है, और उसके बाद गौतम कार्तिक कहते हैं जब उसकी इच्छा मैं पूरी करता हूँ, और उसके चेहरे पे जो खुशी मिलती है ना यार। इस डायलॉग के तुरंत बाद ही वहाँ पे बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी गौतम कार्तिक वहाँ पे लोगों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसे कायरों को आज़ादी मिले या न मिले, गुलामी तुम्हारे रग रग में बसी है। देश को आज़ादी मिल जाती है, लेकिन इन लोगों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ जाता है। फिल्म में दर्शकों को गुजरे जमाने की कहानी और रोमांचित कर देने वाले एक्शंस देखने को मिलेंगे। गौतम और रेवती के बीच हुए रोमांस दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करेगा। 16 अगस्त 1947 ये पैन इंडिया मूवी होने वाली है। दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। 7 अप्रैल 2023 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। फिलहाल फिल्म के स्टेजर पे फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं। उम्मीद है फिल्म अगस्त 16, 1947 पैन इंडिया फिल्म का ये रिव्यू आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।